जो आइडियाज़ ऑफ इंडिया की बात हो रही है, अगर आप अखंड भारत की बात करें तो उसमें आस पड़ोस के आप कितने देशों को गिनते हैं अखंड भारत में? जब अखंड भारत की बात चलती है तो देखिए वो राजनीतिक नहीं है, वो सांस्कृतिक अधिक है। जब वो सारे वो जो भाग जो भारत के दर्शन से कल्चर से अपने को एक मानते हैं, जिनको मालूम है हमारा जो सांस्कृतिक मूल जो सोर्स है रिसोर्स है ओरिजिन है वो भारत है, तो भारत के इस दार्शनिक सांस्कृतिक वैचारिक इस भाव से जो एक रूप मानते हैं वे अपने आप को भारत के साथ ही जोड़ते हैं। हम समझते हैं वह जो एकता है वो अधिक महत्व की है राजनीतिक एकता के तुलना में। उसमें आप किन किन देशों को शामिल करेंगे अखंड भारत में? हमको ऐसा लगता है कि नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, आपका लंका है, ये सब देश भारत को अपना बड़ा भाई जैसा मानते ही है। पाकिस्तान? उनको भी लगता है। पाकिस्तान भी आप देखिए आजकल वहाँ कई यूनिवर्सिटीज में ये विषय चलता है कि पाकिस्तान का जन्म कब हुआ, तो बड़ी मात्रा में हिस्ट्री के प्रोफेसर्स जो है इस बात से सहमत नहीं है कि पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। वो मोहनजोदड़ो को अपने साथ जोड़ते हैं, तक्षशिला को अपने साथ जोड़ते हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको अपना मानते हैं, अपने को हजारों साल पीछे ले जाते हैं। और ऐसा पाकिस्तान के 12 यूनिवर्सिटीज में अच्छी डिबेट होती है। तब पाकिस्तान अपने आप को हजारों साल पीछे ले जाता है तो कहाँ जाता है, तो वो हमारे प्राचीन भारत के साथ ही जुड़ जाता है। वो पाणिनि को अपना मानता है, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के पढ़ाए जाने वाले विषयों को पाकिस्तान के एंसिस्टर्स का मानता है। और पाकिस्तान के वे जो प्रोफेसर्स हैं आज वे कहते हैं हमने एक समय पर अपना रिलीजन बदला लेकिन अपने फोर फादर्स तो नहीं बदले, हमारा कल्चर हमारा सिविलाइजेशन हमारे जो जमीन है वो परंपराएं ट्रेडिशंस कस्टम बहुत पुराने हैं। ये जो भाव है ये जो आपने पहले प्रश्न पूछा उससे उनको जोड़ता है। फिर ये बताएं कि इस सब में अखंड भारत का जो आपका सपना है उसमें पीओके का कितना महत्व समझते हैं आप? इस पर गृहमंत्री भी बयान दे चुके हैं, आपकी पीओके पर क्या राय है, क्या होना चाहिए? पीओके ही नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जो भी स्थान ऐसा जो कभी भारत के साथ रहा है और धीरे 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 अपने पुरखों को याद करेगा, पूर्वजों को याद करेगा, पुरानी परंपराओं को याद करेगा तो अपने एक इतिहास की ओर चल देगा, तब उसको ध्यान में आएगा जो चेंजेस जो बाद में आए तब उसको इकट्ठा होने का एक होने का एक आधार मिलेगा, एक ग्राउंड क्रिएट होगा उसमें से। और ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है और कम से कम राजनीतिक दृष्टि से ये संभव नहीं होगा। और इसलिए जो कल्चरल जो थ्रेट्स है जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है जहां पर कि एकता के भाव मजबूत होते हैं उनको बार 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 ध्यान देने से एक अखंड प्राचीन सांस्कृतिक भारत का फाउंडेशन बनता है।